बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अब हम आपके लिए ले आए हैं इंग्लिश का पेपर, जो आपका होने वाला है 28 मार्च को। जी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर है जो आपका होने वाला है 28 मार्च को। पूरा पेपर लीक हो चुका है, आरबीएससी की तरफ से पूरा पेपर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा पेपर लीक हो चुका है। बहुत से बच्चों के पास पेपर पहुंच चुका होगा और बहुत से बच्चों के पास नहीं पहुंचा है। तो बच्चों, हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपके साथ में दूंगी, और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके जो आंसर वो भी दूंगी, बट वीडियो के एंड में पूरे पेपर के आंसर्स की और पीडीएफ दोनों मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पेपर लीक हो चुका है। तो बच्चों, मैं आपको हमने बहुत मुश्किल से ये पेपर मिला है, 2 से 3 लाख हमें पैसे उनको पेमेंट करना पड़ा है, देन फिर हमें ये पेपर मिला है। बच्चों, आपके लिए इतनी सेक्रीफाइस की है, तो सिर्फ 15 मिनट आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये पेपर हमने बहुत मुश्किल से हमें मिला है और ये पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर देते। सबसे पहले पेपर बहुत इजी पेपर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए बच्चों, आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है, क्या है बच्चों, देयर वॉज हिज एसियंट इन द लाइन, मतलब देयर वॉज अ एशियंट लाइन, इस यहाँ पे एशियंट के अंदर एक बहुत अच्छी लाइन है। व्हीकल, यहाँ पे देखिए बच्चों, व्हीकल विच पास फिटनेस टेस्ट और आर इशू सर्टिफिकेट, व्हीकल्स विच पास फिटनेस टेस्ट आर इशू सर्टिफिकेट, ओके। फिर आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के, यहाँ पे हमने ये प्रश्न नहीं पढ़ा, सॉरी 3 नंबर का प्रश्न हमने पढ़ा नहीं है। आई एम स्ट्रांग कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स द फॉलोइंग डिफरेंट साउंड, इनमें से कौन सा है जो डिफरेंट साउंड करता है, रियल, फियर, रीच, डियर, तो यहाँ पे रीच जो है वो अलग साउंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों, आ जाते हैं 5th नंबर के, विच ऑफ द इज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट, फ़ोनपे, गूगल पे, सैमसंग, पेटीएम, सैमसंग जो है यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, ओके। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6th नंबर के क्वेश्चन में, सुनामी इज अ ह्यूज ह्यूज सी वेव्स, क्या है सुनामी, एक बड़ा सी वेव है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज सोलेंट्री, सोलेट्री का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, यानी कि अलोन, सोलेट्री का मतलब क्या हो जाता है, अलोन। अब हम आ जाते हैं पैसेज में, फर्स्ट में आपको, इट वॉज मीनास फर्स्ट ट्रेन जर्नी, शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइस एज इट केम टू स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर हैंड, दे वॉक ऑन द ट्रेन टुगेदर। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आ जाएगा जर्नी, सेकेंड में प्लेटफॉर्म, थर्ड में नॉइस, और फोर्थ में आ जाएगा हैंड। अब पॉलिसी का यहाँ पे प्लुरल और फॉर्म, प्लुरल यानी बहुवचन, पॉलिसी का यहाँ पे पॉलिसीज आ जाएगा, POLICIES पॉलिसीज। थर्ड में आ जाए, जिसमें बाद में आ जाए मेमोरी का, मेमोरीज, MEMORIES मेमोरीज। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मिसिंग लेटर का, यहाँ पे आ जाएगा रिपब्लिक, REPUBLIC रिपब्लिक, और बी में आ जाएगा इंडिपेंडेंस, क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे आ जाएगा 40 नंबर के प्रश्न में, 40 नंबर का प्रश्न बहुत ईजी है, सब प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर से कंटिन्यू वॉच करिएगा बच्चों। और सारे आंसर एक बार मैं आपको क्या करूँगी, वीडियो के एंड में भी बता दूँगी कि किस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 40 नंबर का प्रश्न क्या है, पुलिस रिमेन अलर्ट एट क्रॉस रोड सो दैट ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल, जो पुलिस है वो क्रॉस रोड करते टाइम पे, मतलब रोड क्रॉस करते टाइम पे अलर्ट रहते हैं, इस वजह से जो ट्रैफिक जो होता है वो कंट्रोल में रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दैट, इसीलिए। फिर यहाँ पे अरेंज करना है आपको वर्ड्स को, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड्स आपको अरेंज करना है, वी टेक एक्सरसाइज डेली, क्या आ जाएगा, वी टेक एक्सरसाइज डेली। सेकेंड में क्या है आपका यहाँ पे, We have 5 cents, क्या है, We have 5 cents, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब फिलिंग द ब्लैंक्स में, डैश फिटनेस ऑफ योर व्हीकल, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, सब में आ जाएगा, इंश्योर फिटनेस ऑफ योर व्हीकल, ऑलवेज
ऑलवेज हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस. क्या आता है ऑलवेज हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस. अब हम आ जाते हैं पार्ट थ्री में. ठीक है पार्ट थ्री में आ जाते हैं. ओके पार्ट थ्री में क्वेश्चन आंसर दिए वो पढ़ लेते हैं. हाउ लॉन्ग डज दिस जॉय लास्ट. क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आ जाएगा दिस जॉय लास्ट अ लाइफ टाइम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस चेंज ऑन वन कम्प्लीटली. फिर यहाँ पे इसके ऑपोजिट बताने. सोरो का ऑपोजिट आ जाएगा जो जॉय और हैप्पीनेस का आ जाएगा सैडनेस. फिर इससे क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का विच इमोशन वॉज डोमिनेट ऑन द सुमिट ऑफ एवरेस्ट. तो द इमोशन ऑफ ह्यूमिलिटी वॉज द डोमिनेंट वन. वाई वॉज देयर अ टिंच ऑफ सैडनेस. इट वॉज सो बिकॉज नथिंग हायर वॉज लेफ्ट टू क्लाइंब ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन. बाई वॉट वॉज द ऑथर ओवरविम. तो फिर इसमें आ जाएगा द ऑथर वॉज ओवरविम बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. फिर आ जाते प्रश्न नंबर 19 में. यहाँ पे फिर से आपको पैराग्राफ दिया है. क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लेते हैं और जवाब दे देते हैं. वॉट हैड चुन्नी कम टू बिपिन बापू फॉर. तो चुन्नी हैड कम टू बिपिन बापू फॉर अ जॉब. जॉब के लिए वो यहाँ पे आई थी. वॉट डिड बिपिन बापू कंपेयर चुन्नीलाल टू. तो बिपिन बापू कंपेयर चुन्नीलाल टू अ बेड पेनी. वॉट डिड बिपिन बाबू वॉन्ट टू आस्क चुन्नीलाल. तो बिपिन बापू वॉन्ट टू आस्क चुन्नीलाल अबाउट द 1258 ट्रिप्स. हाउ लॉन्ग वुड बिपिन बाबू नॉट टू सी चुन्नीलाल. तो बिपिन बाबू वुड टर्न्ट सी चुन्नीलाल फॉर सेवरल वीक्स. वट स्टक टू बिपिन बाबू एज सोन एज द सर्वेंट स्टेप आउट. तो इसका आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा बी नंबर का. इट स्टक टू बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप्स. फिर यहाँ पे अ शॉर्ट जर्नी टू अ प्लेस एंड रिटर्निंग. तो ट्रिप उसको क्या बोलेंगे ट्रिप. हाउ डिड गांधी जी वॉन्ट टू लाइव. गांधी जी कैसे रहना चाहते थे. गांधी जी वॉन्ट टू लाइव लाइक अ पुअर विलेजर. वो मतलब कैसे पुअर विलेजर की तरह यानी कि गरीब विलेजर की तरह रहना चाहते थे. हाउ डिड गांधी जी फाइट. गांधी जी फाउट विदाउट एम्स आर्म्स. मतलब वो बिना हाथ पैर चलाए वो लड़ाई करते थे. ठीक है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द वर्ड. अ पर्सन हु डज नॉट फियर एनी वन. जो पर्सन किसी से नहीं डरता वो होता है फियरलेस. वाई अ पर्सन हु रूल और गवर्नर. जो रूल करता है उसको क्या बोलते हैं रूलर. वाई डिड पीपल कॉल हिम अ महात्मा. तो उनको महात्मा क्यों बोले जाते थे. पीपल कॉल हिम अ महात्मा बिकॉज ही लव ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि वो वर्ल्ड के सारे लोगों से प्यार करता था. हु लीड अस इन अवर फाइट अगेंस्ट फॉरनर रूल. तो गांधी जी लेट अस इन अ फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल. फिर यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं विलेज का प्लूरल फॉर्म बताना. यहाँ पे विलेज का विलेजर्स. अब यहाँ पे आपको क्या करना है पैराग्राफ एक दो लाइन वाइज बताना है. तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे ओन्स. ये आ जाएगा फर्स्ट में. सेकेंड में यहाँ पर आ जाएगा सडनली. थर्ड में आपका यहाँ पर आ जाएगा इट जम्प. फोर्थ में आपका यहाँ पे आ जाएगा द लायन वोक अप. और फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पे ही वॉन्टेड टू किल इट. पार्ट सिक्स फिफ्थ में फोर्थ में आ जाएगा यहाँ पे आपको लेटर लिखना है. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड योगिता इनवाइटिंग हर टू अटेम्प योर बर्थडे पार्टी. आपकी बर्थडे पार्टी अटेम्प्ट करने के लिए आपको अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है. ठीक है और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो. यहाँ पे आप एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने प्रिंसिपल को कि भाई रेलवे कंजर्वेशन वारंट यू मे टेक हेल्प फ्रॉम फॉलोइंग. यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के ऊपर अपने प्रिंसिपल को चाहिए कि भाई आपको एक रेलवे कंजर्वेशन वारंटी चाहिए. ठीक है उसके ऊपर आपको क्या करना है एप्लीकेशन लिखनी है. फिर लास्ट यहाँ पे क्या बच्चा है आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है उसको देख के यहाँ पे क्वेश्चंस के जवाब मतलब पैराग्राफ एक पूरा बनाना है. और यहाँ पे एक आपको क्या दिया गया है एक स्टोरी दी गई है कैप सेलर यानी कि जो कैप सेलर कैप बेचने आता है. यहाँ पे मंकी जो यानी कि जो बंदर होते हैं उनको परेशान करते हैं ये सब वो वाली स्टोरी यहाँ पे आपको डेडिकेट करनी. अब मैं आपको पूरी आंसर्स की
और PDF कैसे डाउनलोड करनी है वो बता देती हूँ। तो चलिए बच्चों मेरे साथ। देखिए बच्चों, इस प्रकार से गूगल ओपन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको एकमात्र ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूँ जो RBSE खुद कंडक्ट करता है, यानी कि RBSE खुद इस वेबसाइट को हैंडल करता है। हर चीज़ वो खुद अपने हाथों से पोस्ट करता है, हर चीज़ रियल एकदम 100% वो आपको 100% रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपका काम है इस पर ट्रस्ट करना और इसी चैनल पर खाली ट्रस्ट बनाए ही रखना, और इसी वेबसाइट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन सारी रियल मिलने वाली है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी खुद RBSE कंडक्ट करता है, यानी कि RBSE खुद इस चैनल को हैंडल करता है। ओके, उनकी टीम पूरी हैंडल करती है। तो बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रियल एकदम 100% सटीक मिलने वाली है। ट्रस्टेबल चैनल है और ट्रस्टेबल वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट ही आपको यहाँ पे मिलती है STUDYVILLAGE। स्टडी विलेज एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो आपको RBSE खुद प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपकी हर इन्फॉर्मेशन एकदम रियल मिलेगी। यहाँ पे जाके आप अपने आंसर्स की और PDF दोनों डाउनलोड कर सकते हो। फटाफट से जाइए और जैसे वीडियो एंड होता है गूगल पर जाके स्टडी विलेज सर्च करिए और एक पूरा संपूर्ण पेपर और आंसर्स की दोनों डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।